भाई ये रोड देखो डायरेक्ट ऑफ रोडिंग, ये हायाबुसा है ना इसका लूसन। अरे देवा, अरे श्रीमान ऐसे अगर चले ना तो भाई श्रीनगर लद्दाख दूर नहीं है श्रीमान भाई, बर्फ तो देखना ब्रो। अरे आत्ताच ठोकला सिद्धी तू, नाही नाही उचलून पलटी मारली, उचलून पलटी मारले। हे बघ रक्ताचं थैमान झालेलं दिसतं इकडे कार्यक्रम, हा बघ कसला घुसला आहे। पोलीस वाले कुछ करने वाले लफडा देखते, चल मजा मजा तो आने वाला है पोलीस वालों के साथ। रिस्क लेने जा रहे, जो होएगा वो देखा जाएगा, जाने दो अभी ऑप्शन नहीं है। एंट्री को नहीं की तो हमको जाने का रहेगा, जालंधर तो कैसे जाना पड़ेगा हमको। चलो पता निकलते हो गए यार, बहुत इंक्वायरी कर रही है लोग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, परफेक्ट रोड बरतने के लिए थैंक यू। किधर जाऊ ए पत्या, लेफ्ट राइट कुठे मारू पत्या। ब्लॉक की शुरुआत आज डे 3 है, लेकिन राइडिंग नहीं है आज, बस वर्क। बफर डे। हाँ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देखिए लैम्प का उपयोग जो होटल में किया जाता है वो बरमुडे पैंट अंडरवेयर हेलमेट रखने के लिए। ये मेरा ही पैंट है और मैंने इसको रखा है लैम्प पे। तो मेरी पेटी है ना थोड़ी खाली खाली लग रही थी, तो मैंने ऐसा सोचा कि क्यों ना उसके ऊपर अपना यूट्यूब का नाम, मतलब इनकी आइडिया चोरी जाए। तो इधर से सेटिंग करके पता कब गया मालूम नहीं, उसने वो बना के लाया, लोगो भी को बना के लाया है भाई, आईएम का लोगो भी हमने बनाया है, वो भी लगाने जा रहे है नीचे जा रहे गाड़ी को लगाने के लिए। बहुत प्यारा है आज का डेट 3, थोड़ा नैराश्यवाद ही गया है क्योंकि बजे कितने थे, 6 बज गए, 7 बज गए, 7 बज गए शाम के, और तो हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस सैंडविच खाए चिकन का और बैठे आई से जाते नीचे गाड़ी पे जाके अपना लोगो वगैरह स्टिकर लोगो वगैरह लगा देते, वो भी आपको दिखा देता हूँ। छोटा ही बनाया है, ज्यादा बड़ा नहीं तो बोलेंगे ये बहुत बड़ा यूट्यूबर बनने जा रहा है क्या, तो उससे अच्छा छोटा ही टिक है। और ये देखो आ गए शिवन भाई, कैसे दे रहे स्टिकर, स्टिकर चिपकाने, ओहो झूले लाल, सर का मौसम तो देखो जयपुर, और ये होटल है हमारा, अंदर वाला हमने शूट नहीं किया, फिर भी मैं आपको दिखाई देता हूँ अभी वापस जाके। यही थे हमारे रात को बैग वगैरह, परफेक्ट उन्होंने उठा के अंदर रख दिए, स्विमिंग पूल वगैरह भी है, नहाने का प्लान है लेकिन कब होने मालूम। हाउ आर यू सर, ये देखो गाड़ियाँ। श्रीमान जी मेरे को एक काम करोगे क्या, चिपका के दोगे प्रॉपरली स्ट्रेट, नंबर डक्के मेरी गोल बाटार सही है, चेन लूबिंग होने के बाद अभी इधर अपने को अपना चैनल का नाम इधर जैसे पतूने लगाए, देखो ये, देखो ये आई एम का लोगो हमारा, मैं इधर ऊपर लगाने वाला हूँ, और ये पतू 38 का एक, और ये देखो काम भारी ना, टेंशन नहीं। कैसा चमक रहा है ब्लैक पे भाई, अभी मेन आई एम का लगाना है, वो दिक्कत है मेरे को, टेंशन आ रहा है कैसा चमक रहा है। अभी ये देखो इसका दरवाजा खुलने जा रहा है, एक ही हुआ सॉरी, ये देखिए ये सब पत्तू जी की कृपा है, इन्होंने प्यार बरसा है हम पे और उन्होंने किया, और ये नाम लिख के लाया, अभी नुस्ते सब्सक्राइबर मिलियन, दूसरा नाम इधर लगा के रखा है यूट्यूब का, बस फेम ले रहे भाई, और एक इधर है, टेंशन नहीं है, कैसा जरा दिख रहा है ना गाइस, वन साइड वॉशिंग हो रही है, इन्होंने जिम्मा लिया है गाड़ी वॉशिंग करने का, होटल का ही स्टाफ है ये देखो ना कैसन बा, ये तो कैसे कुतूहल से देख रहे हैं सब गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी कार है लेकिन उनको बाइक देखने में इंटरेस्ट आ रहा है। विमान जी कैसे लग रहा है, गाड़ी बड़ी वॉश हो रही है, क्या लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, ये वो इंसान है ना, वो कार्यशील इंसान, कौन ये रात को भी थे मालूम है तुमको बैग बिक लेने के लिए। ये देखो गाइस अभी श्रीमान भाई एफर्ट्स दे रहे हैं, कंपनी क्या चाहिए आपको, देखो मैं पार्ट नहीं हूँ पर सब लगा रहे, और मेरे गाड़ी पे लगा था यूट्यूब का पर आगे खाली है जगह, अच्छा नहीं लग रहा है, सीधा जरा सीधा लगाओ क्या प्लीज, क्योंकि ये कंपनी ने मुझे पूरा पैसे का बंदोबस्त करके दिया है। एक भी बबल आया ना सर पैसा काट दूंगा क्या पकड़ से, अरे एक बबल आएगा ना तो इसके चाचा पांच, किसके, विक्रम भाई,
अरे मेरे को क्यों तोड़ते हैं आप इसे? देखो फिलहाल आप हो, हमेशा करंट टूटता है, इस बार उसको रेस दिया है। लगा रहा है माँ कसम यार, ये लोगों पे ही पैसा कवर है। और पत्या भाई को इस चीज के लिए सैल्यूट देना बनता है, क्या लगता है श्रीमान? बनता तो है, बट मेरा है ना, मेरा वाला लोग है ना, उसने खींच ना, निकाल दो, निकलेगा नहीं श्रीमान, खींच, वाट लगा जी लगता है। आज तो होता है पूर्ण दाब ना, पहले पूर्ण लावून घ्यायची चिकट पट्टी। मजा यायला बघ किती आले आता। ये तूने चिपकाय ना, ये साइड का मैं चिपकाता हूँ खुद। हाँ देख अभी, अरे बग कसा चिटकलेला आहे तो बघ, इनको देखे थोडा पश्चाताप हो रहा है। उन्होंने खुद का बादशाह लगाया पता है आपको? नहीं रहने दे। एक बात की क्या खासियत है मालूम है क्या? ओनर ही खुद लोगों चिपकाने आया कंपनी का। देखो कैसे चमक रहा आया है ना, आ कसम उड़ान जल लेगी ब्रो, ये गर्मी में और खतरनाक चिपक जाएगा कुछ। अभी नेक्स्ट वाला मैं चिपकाता हूँ सर, नो इशू। दे मैं चिपक, दे पकड़। देखो ये लोगों मैंने लगाया इधर, यहाँ पे टुम्मा आया एकदम नीचे, ठीक है। अभी इसने पैस लगाया कि ये लोगों लगा के दिखाएगा। अब इसकी औकात मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप खुले में इसकी औकात देखो, जैसे लोग खुले में शौच करते ना, इसकी औकात आप देखो। देखो ना जीरो कहीं का, एकदम कोने में लिया है ना। और ऊपर कितना लिया है? ए ए कम रुको, नहीं नहीं वो मेरा बाहर चला गया। रुको जरा भाई, रुको भाई, अगर ये फटा ना काम है तो जिंदगी में कुछ काम करना छोड़ दूंगा ब्रो, लाइफ में। ओहो क्या कहना है बताओ, क्या कहना है? ये देख नीचे, ठीक है। पर तूने तो ऐसे दिल के टुकड़े हजार कर दिए। क्या टुकड़े? हम जोधपुर में रुके थे एक नाइट के लिए, तो ये बंदा हमको 7 बजे से इधर बाहर खड़ा है पते की गाड़ी देखने के बाद, और रहा देख रहा था। अभी बच गए लगभग कितने बजे? 27 हुए और अपने को उठना है 4 बजे। हाँ अवगड़े, क्या झूठ बोलते हो प्यार से रे, सब सामान जाना है 5 बजे प्लीज भाई, बैग मान के 5 बजे जाना, इसलिए मैं रेडी कर रहा हूँ सारी चीजें की, उठ के कपड़े पहन के निकला। यस अभी हम फिलहाल खाने के लिए आए, और मैं इधर का कुछ स्पेशल खा रहा हूँ। मैं स्पेशल क्या खाने वाला हूँ मालूम है? क्या खा रहा हूँ मैं? लाल मांस। लाल मांस खा रहा हूँ, राजस्थान का स्पेशल डिश मटन। लाल मांस का होता है? बड़ी बड़ी बात है, एक रुपए का कुछ नहीं आता, राइडर ऐसे कोई नहीं होते। राइडर है ना 10 बजे सोना चाहिए, 5 बजे राइड को जाना है। तो हम 3 बजे तो भी जगे, कोई बाहर गया है तो रील देख रहा है, कोई मोबाइल पे, कोई एडिट कर रहा है, ये कौन सा राइडिंग है? जाना है सवेरे हमको सच्ची में 5 बजे निकलने का। 5 के बाद हो गए 6 के बाद हो गए 8। अभी मैंने तो डिसाइड कर लिया 11 बजे किसी वक्त उठूंगा ही नहीं, चेकआउट के टाइम पे निकलना है, गर्मी में तपते हुए मरना है, क्या सकते ना। मैं तो तैयार हूँ, देखो अब जो भी, मैं राइडर था अब मैं नहीं हूँ। अभी ये जो हमारा ग्रुप है ये है अय्याश राइडर ग्रुप, उनके मन मर्जी वो निकलते, मन मर्जी रहते, उनके हिसाब से चल रहे। 5 बजे जाने था, ऐसे आप राइडर मत बनो, आप प्रोफेशनल राइडर बनो। हम है बने राइडर बड़े जबरी के, लेकिन मचाएंगे। और लद्दाख तो बैंडी फाड़ देंगे, फाड़ देंगे। आज का वा आज नहीं, कल हम पंजाब पहुंचेंगे कौन सी भी परिस्थिति में, और परसों हम रहेंगे श्रीनगर का बर्फ आपको 100% देखने मिलेगा। मेरे इधर बर्फ आपको थोड़ा लेट देखने मिलेगा, तब तक के लिए आपने पूरा बर्फ उधर का पूरा लद्दाख देख के मोकड़े हो गए रहेंगे, लेकिन मैं थोड़ा लेट आऊंगा, लेकिन थेट आऊंगा। ओके गाइस, तब तक के लिए शुभरात्रि। फाइनली रेडी हो चुका हूँ, ये देख सकते हो गियर, अपना हाइड्रेशन बैग, उधर अपना टैंक बैग है, जूस आया था। इन सर की सिग्नेचर होने से पहले मैंने खत्म भी कर दिया, उन्होंने टास्क दिया था, अब ये फ्री हो गया ग्लास मेरा। और ये देखिए गर्मी, वेलकम टू द जयपुर, जयपुर है ना, जयपुर जयपुर गाइस, वेलकम टू द जयपुर, मजेशीर लाइफ। अभी निकलने की गोली लेते और डायरेक्ट किस पे मिलते हैं मालूम है? टैंग टडाडा टैंग टडाडा टैंग। चलो बाय बाय जयपुर, वापस कभी आना हुआ तो जयपुर में इसी होटल में जरूर रुकेंगे। लुक तो ठीक आ रहा है, इट्स ओके। पिछली बार फ्यूल फुल किया, इनका मैटर ये चलो कौन से रोड से जाना है वो कमी ना, 4 बार जाके आए लद्दाख, लेकिन उसको ये नहीं मालूम रोड कौन सा पकड़ना है, क्या बोले। वाट लगा दिए सक्सेना ने, सब वाटोड़ा किया है ना हमारे पूरा ट्रिप का, नहीं तो क्या पूरा पसीना पसीना हो गए क्या बतू भाई। इनको रोड का नहीं पता, अभी निकले पंजाब 12-15 घंटे 20 घंटे से आराम कर रहे, खाली आरामदायक जिंदगी। तो बाकी गाइस day 3 चालू हो चुका है, और वन साइड नड़ेंगे अभी हम पंजाब तक, पंजाब के रोड भी आपको दिखाए जाएंगे प्रॉपरली थोड़ा 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 करके।
तो जुड़े रहना कंटिन्यू ये ब्लॉग देखने के लिए, ओके। तो पॉपकॉर्न, कॉफी, चाय सब लेके आइए, क्योंकि बहुत बड़ा लंबा सफर है और बहुत बड़ा ही ब्लॉग होने वाला है। 260 ये नहीं, वो 280 ये जाती है, 150-160 जाते। बाकी गाइस वो छोड़ो, वो सब लोग देख रहे कैसे, देखो ना हमको। हयाबुसा, यूपा भूसा नहीं, बहुत इंटरेस्ट में लोग देखते रहे भाई बाइकर्स को, मैंने देखा। अरे बाबा हम है रे, ट्रैफिक में क्या करे, उड़ा के जाए सबको। अरे धीरे चल रहे, एक ही गाना गा रहे। हाँ, अल्सर 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 से जाना है क्या? तो राइट में रखना था गाड़ी। तो गाइस बाकी सब छोड़ो, लेकिन गाइस ये लोग जो देख रहे ना बाइकर्स वालों को, बहुत डेंजर लोग देख रहे। खाली देखो ना कैसे कुतूहल से देख रहे गाड़ियों को, और वो है ना मतलब ऐसे, मतलब उनको कुछ अलग ही लग रहा है। और ना हर एक इंटरव्यू चल, श्रीमान का इंटरव्यू लेने ये आज तक वाले आदमी है, वो श्रीमान भाई का इंटरव्यू ले रहे। ओके श्रीमान जी इंटरव्यू, ये जो है ना आज तक वाले न्यूज रिपोर्टर है, श्रीमान भाई का इंटरव्यू डायरेक्ट बाइक पे ही ले रहे। वो बोले ऑफिस तक क्यों जाए, और हाथ छोड़ के दिखा। माय गॉड यार, अंगोटा क्रूज कंट्रोल है। अरे इतना कमी ना गाइस, इसने वो मेरे को लाया था हैंड रेस, उसमें से भी एक मांग के लिया। अरे क्या तूने लिया गाइस, ये ना मतलब मैं गरीब हूँ ना गाइस, हमारी गाड़ियाँ गरीब है ना पत्या और मेरी, तो बस हमारा शोषण किया जाता है इस जगह पे। और ये देखो खड़ा बाम्बू आया, खड़ा बाम्बू स्टार्टेश मामा, वो नई स्विफ्ट देख रहे, नई लेलैंड देख रहे, बिंदास खड़े होके जा रहे हैं। वो स्विफ्ट वाला गैस पे आ गया श्रीमान जी गाइस, लेकिन कुछ भी बोलो, हमने कभी सोचा भी नहीं था क्या पता जी कि पंजाब तक गाड़ी बीड़ी लेके आएंगे रे बाइक। मैं भी पंजाब बाउंड्री में, मैं तो पंजाब में फर्स्ट टाइम जा, मैं दिल्ली साइड ही फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ ब्रो। और श्रीमान ने बहुत बार बोला था कि चलो फ्लाइट में जाएंगे, लेकिन कभी हुआ नहीं भाई। हम बाइक पे आए दिल्ली तक और एकदम सेफ राइड कर रहे हैं, चार जन हैं, एकदम प्रॉपर राइड चल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा न्यू अपडेट वाला कंटेंट नहीं आएगा वो ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा। गाली गलौज थोड़ी आनी चाहिए थी पर नहीं आएगी, क्योंकि सक्सेना ने मेरे को एक गाली पाट करके ली है कल से रह के। तो जुड़ रहे गाइस कंटिन्यूअस, गाने वाला धाम है, लेकिन इंटरकॉम पे ना पीछे से बहुत गालियाँ देते मेरे को। और खास करके ये जो है ना, ये BMW बेकार है। वो देखो क्या निकला है रे बांध लेके, वाव। ए रुको जरा, मैं एकदम बीच में आता, पता शूट ले बीच वाला, देखा क्या भाई हमारा रॉयल इनफील्ड भी कुछ कम नहीं है ब्रो, कैसा नट रहा है। लेकिन अभी गर्मी इतनी डेंजर लेवल पे है ना, लेकिन फील नहीं हो रहा हमको गर्मी का, क्योंकि ये आदत हो गई बॉडी ने हमको अभी। हाँ। और सक्सेना ना कोच तो भी चार बूंदों वाला पैक पिला रहा हमको, क्या मालूम क्या है वो, उससे ना वो हाइड्रेशन कम हो रहा है बॉडी में, मतलब प्यास कम लग रही है और बॉडी ऐसा हीट नहीं मार रही है। और मेरा कैसा मेश है ना, मेश वाले सब पहना है मैंने, कान में मेश। ए रोड पे कुछ पड़ा है रे, आहिस्ता पुट्टा, बहुत गर्म हो जाएगा गाड़ी में अपना, ये गोप्रो गर्म हो जाएगा गाइस। अपन ऐसे कंटिन्यू थोड़ा जुड़ेंगे क्या श्रीमान जी। पंजाब साइड निकले, इधर के पहाड़ भी राजस्थान जैसे मैटर है, बंजर के बंजर, लेकिन पहाड़ कुछ अलग ही है। मिट्टी देखो इनका कैसा है, एकदम विचित्र मिट्टी है, एकदम झकास, लेकिन एकदम ऐसा काले पहाड़ है, लेकिन उसके ऊपर के पेड़ पूरे सूख गए। ये देखो रेगिस्तान टाइप है, देखो भाई ये रेगिस्तान टाइप मिट्टी है, पूरा पहाड़ उसका ही है। ऐसा भी नहीं कि कॉरी भी रही है कि ताकि वो रेत लाई गई है किधर से या बन गई है, नहीं उसके जैसे पहाड़ है वो खोद के डायरेक्ट मिट्टी, वो रेत ही निकलता रहेगा। लेकिन रोड है भाई, रोड तो है, हम कंटिन्यू वही बोल रहे हैं ब्लॉग में रोड। अरे क्योंकि अंतर काटने के लिए इतना मज़ा आ रहा है ना, 100 पे हम अभी 100 का ही स्पीड है, नहीं तो हम पहुँचेंगे नहीं, 600 किलोमीटर जाना है, 593 कुछ समथिंग है। श्रीमान के शायद कूले दुख रहे भाई, मजा ही आया ब्रो, मजा ही आया।
लेकिन 120 के ऊपर ढूंसे कार्यक्रम, ये लगाने के बाद है ना, 120 के बाद ढूंसे कार्यक्रम। ये देखो ना पहाड़ काट काट के डायरेक्ट मार्बल का पहाड़ लगता है ये। अरे निकल गया, देखना उसको एकदम लेवल में काटा है, देखना कोने में, देखा क्या प्लेन काटा है भाई, और कैसे कैसे काटा है देखना, किधर से उसका कोना नहीं छोड़ा है रे भाई। इधर फेमस है बोल रहे विक्रम भाई, अपना मार्बल का इधर, मतलब मार्बल बहुत ज़्यादा लेवल पे इधर कारोबार, हाँ मार्बल का कारोबार है ना, बहुत ज़्यादा लेवल पे चलता है भाई। तो हमको ना तो दिल्ली के पास से भी जाना नहीं था, मतलब दिल्ली होकर जाना ही नहीं था, लेकिन हम अभी अपना किधर घूम रहे मुझे मालूम नहीं है भाई। दिल्ली यहाँ से 158 है, मेरा बुढ़ा उधर ही है दिल्ली में, मेरा लीनू, मेरा लियोन भाई, यार लियोन भाई 150 किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी तुमसे मिल नहीं सकता। शिट यार, तुम्हारे को चूमना था मेरे को, लेकिन व्लॉग देखोगे तुम जरूर, तो इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ मिस यू यार, 150 किलोमीटर आपसे दूर था लेकिन मिल नहीं पाया। अभी आऊँगा तो फ्लाइट से आऊँगा, तुम्हारा चुम्मा लूँगा और फिर जाऊँगा भाई। लेकिन गाइस क्या है, अभी मस्त रोड भी टकटक मिला था, ये कम से कम 100 भी बार बोला रहेगा रोड के बारे में क्योंकि सच्चे में रोड बहुत प्यारी है। तो अभी हमको निकलना है अलसर या अलवर कुछ था बाबा, उधर से होकर जालंधर को पहुँचना, लुधियाना विधियाना मेरा गाँव भी सब लगने वाला है उसमें, मज़ेदार लाइफ तो होने वाला है। और इधर ट्रक देखो ना एकदम छोटे 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 छोटे, मेरे को डर लगता है रे ये बैग की वजह से, ये जगह। और ये इधर ना ये ऐसा ही धूल है भाई पांडरा, और ये इधर है ना मट्टी नहीं है, बस रेती ही रेती है, वो छोटी 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 बारीक रेती होती है ना, वही है रेती बहुत, मतलब ये रोड का जो फाउंडेशन बन रहा है ना उसके मतलब भरावा करते उधर भी वो बस रेती डाल रहे वो। चलो ठीक है, अभी हम सवेरे से स्टार्टिंग मतलब ड्राइव स्टार्ट करने के बाद, होटल छोड़ने के बाद 105-6 किलोमीटर आ भी गए 1.5 घंटे में, मतलब आप जल्दी पहुँच सकते हैं जालंधर, बस रूट ठीक से मिलना चाहिए क्योंकि रूट 2-3 बता रहा है और ना अलग अलग रूट के अलग अलग किलोमीटर बता रहा है, वही थोड़ा दिक्कत है। अभी इधर से अपने को लेफ्ट लेना है, अभी हमको इधर से अलग रूट पे जाना है, सीधे जाओगे तो लियोन भाई के पास मतलब अपना डेली में जाओगे। अभी आगे थोड़ा थोड़ा कौन सा बोर्ड है ये, ओ मेरा गांव यार लुधियाना, 416 किलोमीटर पर लुधियाना है, और अंबाला 311 किलोमीटर है, तो आप प्रॉपर जा रहे हैं यार, लुधियाना जाना है क्या भाई कमीने। हेलो, मेरे को लगता है सब व्लॉगिंग में घुस गए। ए मुझे क्या लग रहा है ये एक्सप्रेस वे क्या, क्या बात कर रहे हैं ये, ये क्या ना 40 किलोमीटर है ब्रो। तो गाइस ये हाईवे कौन सा बोला, कौन सा है सक्सेना, करनाल हाईवे पे है अभी हम, और मचा रहे हैं भाई उसी प्लेन की तरह गाड़ी चला रहे, इस ऐसे अगर चले ना तो भाई श्रीनगर लद्दाख दूर नहीं है श्रीमान भाई, बर्फ तो देखना है ब्रो। अभी मेरा ना गोप्रो मेरे को चेक करना पड़ेगा क्योंकि श्रीमान भाई ने कुछ उंगलियां की है रात को, उसको तो डायग्राम बदलना चाहिए उसको वीडियो क्वालिटी का, तो पूरा मजा किरकिरा हो जाएगा ब्रो। आई चप्पल आवाज़ में कस में जाना चाहिए, माइक लफड़ा नहीं करना चाहिए। ये कौन, अच्छा वीट भट्टी देखो इधर का कैसा होता है, चबूतरे पे ये चिमनी है डायरेक्ट। एक बड़ी कॉमेडी हुई अभी, क्या हुआ हम लोगों को शूट लेने का था और कैमरा दिया था पत्या भाई के पास, पत्या भाई को चलाने का 40 की स्पीड से गाड़ी, तो पत्या भाई खुद 100 और 80 के बीच में चल रहे, मैं उस सबसे पीछे में 120 पे कुदा रहा हूँ गाड़ी, फिर भी वो शूट में मैं आ नहीं पाया। लेकिन मैं शूट में लास्ट तक नहीं आ पाया, क्यों, क्योंकि ये गाड़ी 120 के आगे जा रही नहीं है ब्रो। लेकिन ठीक है, बेचारी प्यारी है, प्यार से हमको लेके जा रही है, कोई टेंशन नहीं दे रही, कुछ ना कुछ नहीं, लव यू। कब से राह देख रहा हूँ मैं, आगे आया पीछे राह तो बड़बड़ते, आगे आया तो कुछ लेट आते, इनकी लाइक ही नहीं है गाइस ड्राइविंग करने की। मेरे को लग रहा है गाइस सामने आपको दिखता रहेगा पुलिस रोक है ना, कि वो देखो हाथ कर रहे या इनको रोक रहे ना वो। अभी ये कितने टाइम नाचेगा इधर से उधर, पुलिस वाले कुछ करने वाले लफड़ा देखते चल। तो लेकिन तुम जल्दी चलो ना, क्या टाइम पास कर रहे हो यार। ये तो देख स्पोर्ट्स साइलेंसर लगा के रुकने जा रहा है दिल्ली में,
ये देखो, लेकिन खुद श्रीमान भाई तेरा रास्ता परफेक्ट है, चल पुलिस वाले ने कुछ नहीं लफड़ा किया, चलो कुछ नहीं प्यार से गाइस उन्होंने बताया हमको रास्ता वगैरह, हम जा रहे हैं अभी उधर से। मुझे लगा कुछ मैटर बेटर होएगा, मजा आएगा, लेकिन कुछ मैटर हुआ ही नहीं। ये रोड हमको जो मिला है ना अभी, मेरा गांव का लुधियाना, ओ माय गॉड, मैं मम्मी उधर दादी को बोल के रखता हूँ चाय बना के रख 3 कप 4 कप, नहीं सक्सेना नहीं पीता। तो अभी मैं दादी माँ को जाके बोलने वाला हूँ कि मेरा आई शपथ जो नाम स्ट्रिप पे ले रहे थे आज वही गांव से जा रहे। भाई क्या ही बोलो, मुझे तो रोने आ रहा है, एकदम नाइस फीलिंग ब्रो यार। अभी तो इसके बाद भर पाएगा और क्या क्या चीज़ें होने वाली है लाइफ में यार, मज़ा तो बहुत आ रहा है। ट्रिप का अच्छा होता दिन है, बाप रे ये तो ट्रक सिमुलेटर हो गया। ए मेरे को लग रहा है ये एक्सप्रेस वे, एक बार कन्फर्म करो यार, आगे जाके बहुत बड़ा फाइन पड़ेगा नहीं तो। अरे पुलिस वाले येड़े भी हो सकते हो क्या, कंपलसरी है क्या, बाइक टिकरी नहीं रोड पे एक भी, येड़े जैसे क्यों कर रहे हो, पागल हो क्या, 5,000 रुपए फाइन है चिंदी आइटम। पुलिस वाले बता दिया तो उनको तो, उनको रोड नहीं मालूम किधर से जाना है परफेक्ट। अलाउड नहीं है बाइक, ये एक्सप्रेस वे श्रीमान। अभी किधर से जाना है, नहीं रे उनको नहीं मालूम। अरे पागल है क्या तुम लोग, मैं बोल रहा हूँ तुमको भाई, पुलिस वाले ने बोला मतलब वो क्या भगवान है क्या, उनको प्रॉपर मारे। अरे ये ना सक्सेना है ना सक्सेना, येड़ा होगा ये सक्सेना। अरे बाबा सबको मैं बोलना चाहता हूँ, पुलिस वाले रोड के भगवान नहीं है। अरे एक एक नंबर येड़े, दोनों भी येड़े है नुस्ते। कैसा है जाने दो, आगे आगे आने दो, आगे आने दो, सबसे गाड़िया भोग दे आने दो, हाँ आने तो भाई, वो हया भूसा किधर है। चलो चलो अभी वापस से रोड पे लग गए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, परफेक्ट रोड पर देने के लिए थैंक यू, बोला बोला थैंक यू, थैंक्स बोला श्रीमान उनको मैं। अरे क्या ही कहा, लुधियाना 374 जाने का था गाइस, मैं आज जी को नहीं मिलने जा रहा हूँ। आज जी चाय फेंक दो, नहीं पहुंचेंगे हम। तो बंदा है ना बहुत ज्यादा खुश हो गया और इसने फोकट में सबको सब्सक्राइब करके लिया, 6 चैनल मार दिए, मार दिया ना मैं मार दूँ, यही चाहिए था, यही चाहिए था ब्रो, वन साइड। अभी इधर आने के बाद पता चला है कि ये अपन रॉन्ग आए हुए, ये कुछ आने की पता है उसको, तो गोम्बिया गोम्बिया पक्का खुश झाला पक्का, हा वेगळा खुश आहे। हे कोण सा गाव आहे, रवासा गाव आहे, रवासा मेंढगड के पास गाव आहे हमारा। वो भी 22 लाख में जाते हैं, वो बड़ा आगे वाला 4 लाख, 4 लाख पेट्रोल पेट्रोल एकदम टकाटक फुल कर लिया, आधी टक्की थी तो मैंने फुल कर लिया, टेंशन नहीं चाहिए। बस तो पीछे हमने जूस वगैरह पिया, गन्ने का पुदीना मार के भाई, और उधर हमने 5-6 सब्सक्राइबर भी बढ़ा दिए। जो आ रहा है वो बोल रहा है कौन सा चैनल, ये चैनल वो चैनल, तो हमने खुद के हाथ से सबके बढ़ा दिए सब्सक्राइब, क्या ही कर रहे, बढ़ना तो चाहिए ब्रो, तो हमने बढ़ा भी दी। ये कितना दूर है, कितना दूर है ब्रो, भाई 1 मिलियन छोड़, फटाफट फटाफट 2 लाख हो जाए यार, हो जाएंगे वो भी, हो जाएंगे जल्द से जल्द, टेंशन नहीं है। तो अभी अपन किधर निकल रहे हैं, जालंधर, और ये खेती देखो, जैसे हमने वो ट्रक सिमुलेटर में खेती देखी है ना, बड़े बड़े खेत, वो पंजाब में ऐसे ही है भाई। और हमने ना क्या किया मालूम है, सक्सेना को ना खाना टाइम पे टाइम लगता है, उसको हमने ऊपर से मारते हुए लेके आए रे, खाना नहीं कुछ नहीं खेच रहे, बस अभी कलिंगड़ खाया और जूस पिया है, गन्ने का जूस पिया बस। वो मेरे को नहीं लगता नेक्स्ट ट्रिप में कभी हमारे साथ आएगा भी। अरे आत्ताच ठोकला सिद्धी तू, नाही उचलून पलटी मारली, उचलून पलटी मारली, हे बघ रक्ताचं थैमान झालेलं दिसतं इकडे कार्यक्रम, हा बघ कसला घुसला आहे, श्रीमान, अरे श्रीमान टायर फुटलाय बाबा, हा अरे नाही ना ठोकून तू इकडे आलाय, त्याला झोप लागली असेल झोप त्याला,
चलो 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 जाते अपन जाते बाबा, चलो इधर से। वो उधर से इधर आए, उसको नींद बींद लगा रहेगा ना, इसके वजह से वो इधर आ गया। बाबा डेंजर काम है, डेंजर बाप रे, डेंजर एक्सीडेंट था बाबा। उधर से इधर आया वो, क्या इधर से ऐसा ठोक के क्या मालूम कैसे हो गया बाबा। अरे कौन सा गांव में लेके आया पत्तू जी? ए इधर के पंजाब के गांव देखना, जबरदस्त। सॉरी हरियाणा, हरियाणा के, सॉरी हाँ, सक्सु भाई। अरे सक्सु भाई देखो ना, ये देखो गर्दी देखो, चलो जाएंगे चल। ये देखो ना गर्दी देखो, लेकिन लेकिन मेरे को समझ में कुछ भी नहीं आ रहा श्रीमान, क्या बातचीत चल रही। हरियाणवी आवत रही तुमका, बाप रे। रोकने देना, रोकने दे। ओके एंट्री। अरे कैनल देख क्या मजा है। कितने दिन का टूर है? 15 दिन। कितने दिन हो गए? अरे बाद में करना फोन। इंक्वायरी चालू है इधर से, ठक ठक ना के पूछा पूछा ही चालू रहेगी, अभी देखते। चलो ए चलो निकलो, कुछ नहीं जाओ, चलो श्रीमान निकल रहे, रुक मत निकल। हिमालयन रॉयल इनफील्ड। हाँ कितने पैसे की आती है? 4 लाख का। 4 लाख? तेल कितना का है? तेल वो नहीं देखते सर, जो है वो है। चलो सर थैंक यू सो मच। सर वो हाईवे पे कनेक्ट हो सकते हैं हम? हाईवे पे एंट्री को नहीं की तो हमको जाने का रहेगा जालंधर, तो कैसे जाना पड़ेगा हमको? बाइक नहीं डालने देंगे ना, बाइक हाईवे पे नहीं डालने देंगे ना। ए बंद कर रहे, उनको पूछ पूछ। चलो पते निकलते हो गए यार, बहुत इंक्वायरी कर रही है लोग। गाइस ये हाईवे पे हमको चढ़ने का परमिशन नहीं है, लेकिन ये रिस्क ले रहे, क्या मालूम अभी क्या करते भाई। डेंजरस काम होके बैठा है, चारों राइडर चुपचाप आके रुक गए। फैमिली का मेंबर क्या बात कर रहे हैं? नहीं मैं गाड़ी पे था, आके फोटो निकल के गया। अच्छा उसने बोला कि सुमन भाऊ पंजाब का सनसेट का एक व्यू ले लीजिए आप। हम जाते जाते मेरे लेफ्ट तरफ देखा तो मुझे ये व्यू दिखा, ये बड़ी बड़ी खेतियाँ और ये सनसेट हो रहा है और ये प्यारा सा हाईवे, और मैं इधर से वापस मेरे गांव जा रहा हूँ। मेरे आजू को मैंने वापस बोला चाय रख दे, मैं इधर से लुधियाना वापस जा रहा हूँ यार, मेरा लुधियाना जाएगा। वाव यार क्या पत्तू शेट। जगह पे कौन सी जगह पे पहुँचे मालूम नहीं, ये कुछ होटल है, लेकिन लोग देख रहे इतने प्यार से देखते हैं ना गाड़ियाँ, लेकिन है इज्जत है भाई, इज्जत तो है। हाँ श्रीमान जी क्या लग रहा है लोग जो ऐसे देख रहे हैं? मुझे तो समझ में नहीं, लोग इतना पागल हो जाएंगे। अरे क्या कर रहे श्रीमान? अरे आई शपथ जोड़ा था। अरे तेरा हगने से मुझे कंटला आ रहा श्रीमान, कंटिन्यू से कौन सा हकना होता है यार? ये नेचुरल है। बैठने को नहीं होएगा, नहीं होएगा, डायरेक्ट पाव डालना पड़ेगा ऊपर से, डायरेक्ट पाव डालना पड़ेगा। डाल दो बैठो। ब्रो ब्रो डायरेक्ट जाएगा पीछे, वो कंट्रोल में नहीं आएगा ब्रो। हमको भी उठाने नहीं होगा, हमको नहीं होगा उठाने, वो बहुत हीवी है। अरे ये कौन सी खुशी है लोगों को अलग की, वो देख तेरी गाड़ी पे भी बच गई ये दादी अपना आंटी आंटी जी। हाँ अलग ही खुशी है। चलो ठीक है गाइस, ये बस ऐसे ही खुशी चल रही है, उनको बहुत आनंद मिल रहा है। मैं सामने से भी दिखाता हूँ आपको, यहाँ हम एक जगह पे रुके थे हाईवे पे, गलती से घुसे थे तो अलग ही खुशी ना इनको। करण भाई मैं क्या बोल रहा हूँ कि अपन ये चार बैठ गए ना, ये देखो गाइस चारों बैठ गए। हाँ। अपन की गाड़ी लेते हैं, इनको बोलते हैं लेके आए फिर हाँ लद्दाख तक, वैसे अपनी साल्टी चली गई है इधर, है ना। ये कौन सा फैन मोमेंट है भाई, गाड़ियों का फैन मोमेंट हो रहा है भाई। विमल जी क्या लग रहा है आपको, ये अलग ही खुशी ना? फैन मोमेंट गाड़ियों का हो रहा है आज, गाड़ियों का फैन मोमेंट हो रहा है। श्रीमान लेकिन एक बात बोलूँ क्या, एक बात बोलूँ, अभी हमारे गाड़ियों को भी गरीबों की इज्जत मिल रही है। कुछ टेंशन ही नहीं है, डायरेक्ट हमारे यहाँ पे
पुलिस जी बैठे को ये देखो, डायरेक्ट पुलिस जी भी बैठे बहुत खुशी में। श्रीमान ये खुशी देख के क्या लगे? ये अलग ही खुशी ना। गाइस हम निकल रहे इधर से, लेकिन ये लोग देखो ना कैसे प्यार से देख रहे। इन चाचा ने मेरे को सब पूछ के लिया, कैसे जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, लेकिन देख रहे देखो ना कैसे। हाँ मजा आ रहा है भाई, रुको जरा। 95 रुपीज़ पेट्रोल है सादा वाला, और 102 रुपये XP95 पेट्रोल, बहुत सस्ता है। 5-6 रुपये का भी फ़र्क है भाई, 95 ना, मतलब हमारे इधर 104, अपने इधर मतलब लगभग 9 रुपये का फ़र्क है लीटर के पीछे। सही है भाई, इतना बड़ा पंप है और पेट्रोल डालने के लिए आदमी एक ही है। गाड़ी इधर 100 के स्पीड पे है, लेकिन पता ही नहीं चल रहा क्या रूट कट रहा है यार। मतलब 5 मिनट में 10 किलोमीटर आ गए हम, 5 मिनट में एकदम सुम हाईवे। अरे टेंशन ही नहीं है, और इतना मस्त हाईवे कट रहा है ना। हाँ, अभी फ़िलहाल आप आनंद लीजिए हाईवे का। यार ये हाईवे का नाम मैं भूल गया, लेकिन है बाबा हरियाणा में हाईवे कौन सा। श्रीमान ने इसका नाम रखा है पश्चिम पूर्व हाईवे। गाइस अभी हम कितने मिनट में, 40 मिनट में 150 किलोमीटर है, रेकॉर्ड है। और वो भी सब ये देखो, ये बाइक और वो बाइक छोड़ दो, ये हिमालयन भी आई हमारे साथ साथ, उतनी वही टाइम पे आई। हाँ, वही टाइम पे आई, रिकॉर्ड बोल सकते हो। 40 मिनट में हम 150 किलोमीटर आए ये बाइक पे, बिल्कुल भी रिस्क नहीं था उसमें। रिस्क नहीं, ओवरटेक नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, प्रॉपर था जो भी था। अभी इधर थोड़ा पेट्रोल फुल किया, क्योंकि ये मेरा 5वें टाइम पेट्रोल फुल हो रहा है, 5वां टाइम मुंबई से। हाँ मेरा तो हो गया 8-9 बार हो गया। 5वीं बार फुल हुआ, तो 5वीं बार फुल होगा। और मस्त तो इतना जबरदस्त प्रवास काटा है ना अभी का, डेंजर। ए यार क्या है, ए भाई लेकिन उसने वो रोड भी बता, अच्छा गावत ए सकते ना, कुछ दिख रहा नहीं है मेरे को। अरे रुक मेरे को कुछ दिख रहा नहीं है, अच्छे कटकट अक्का धुरला हो गया सामने का, लद्दाख। ए सकते ना, आहिस्ते है तेरी गाड़ी के इंजन इधर रहेगा सक्सू। गाइस ये जो रोड लाया ना, एकदम खतरनाक रोड लाया था, एकदम धूलीमय रोड, मेरे को तो एक टाइम पे दिखना ही बंद हो गया। पत्या ने जो रोड ढूंढे ना, ये पंजाब का कौन सा गांव है मालूम नहीं है। अजी मैं आ रहा हूँ यार आज, अगो भाई वापस से चालू खराब रोड। वन साइड में तो निकल के आया गाइस, आपने देखा रहेगा, और बहुत बेकार है पता किधर भी लेके आ रहा है। और पते नहीं ये रोड थोड़ा अंदर वाला हाईवे छोड़ दिया पीछे, ये नया वाला ढूंढ के निकाला मार्केट में। और ये गांव से लेलैंड जाएगा श्रीमान, क्या रे ये गांव से लेलैंड जाएगा वो बीच पे से। सही है भाई, क्या क्या तोड़ते जाएगा क्या मालूम। अभी ये किधर जाऊँ, ए पत्या लेफ्ट राइट कुठे मारू पत्या। अरे श्रीमान कुठे जायचे मला सांग ना, किधर लेफ्ट मारू का राइट मारू। काय माहित लेफ्ट नहीं है, चल ये वाट लगी पड़ी है यार इस पूरे गांव में। तेरे को मालूम है क्या श्रीमान कौन सा, तो भी एक हाईवे बंद है ना बंद, तो गूगल मैप ये रोड बता रहा है। अपन आए अभी फ्री हो गए इधर आ जाओ। अरे बाप रे श्वास लेने को मिला श्रीमान, वो गांव में आज रात को झुम्बड़ है पूरा, मैं लिख के देता हूँ। चोड़ा हलवा, अरे क्या रे गाना है श्रीमान वो, पाचोड़ा वलवा बलवा ला 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 ना ना ना। अरे डायरेक्ट हडल रोड है रे, हडल रोड ये देख को भये गाइस, ये रोड देखो डायरेक्ट ऑफ रोडिंग। ये हयाबुसा है ना इसका लूसन, अरे देवा, अरे श्रीमान, अरे कमी ने पूरा धूल धूल कर दिया रे, पेट्रोल नहीं का मका बन पड़ली। अरे बाबा पत्या आता नको ना टेंशन देऊ भाई, अरे गाइस ये पत्या मतलब डेंजर है। गाइस मस्त भाई के खाना बिना खा के अभी पंजाब से अपन निकल रहे, ये किधर जा रहे अपन, हाँ जलंधर जा रहे। तो ये नाइट में हाईवे थोड़ा डेंजर ही लग रहा है मेरे को, लेकिन है टकाटक हाईवे। अब हम जा रहे हैं, अभी एक दो बलेनो वाले वगैरह मिला था जिसने मेरे को डच्चू दिया रहता था, लेकिन ठीक है नहीं हो पाया, मतलब उनसे वो उड़ा ही देते थे वो टर्निंग से, बहुत डेंजर स्पीड में जा रहे कट मार के जा रहे। तो भाई रात को ड्राइविंग मत ही करो, मेरा तो ख्याल है मत ही करना चाहिए, लेकिन हम क्या है थोड़ा हमारे शेड्यूल से ज़रा डिले चल रहे, तो इसकी वजह से हमको ये पहुंचना है थोड़ा अर्जेंट,
तो इसके लिए हम ये नाइट में राइड कर रहे हैं। अभी कल से नहीं हो पाएगी राइड नाइट को, क्योंकि बहुत ज़्यादा घाई भी हो रही है और टेंशन भी आया है रे, पहुँचना, क्योंकि हमारे आधे लोग ऑलरेडी श्रीनगर पहुँच चुके हैं। तो शायद कल हम श्रीनगर में पहुँच जाएंगे, कुछ टेंशन नहीं, कल श्रीनगर फाइनली हम पहुँच ही जाएंगे। बोलने वाला नहीं है ना बाबा, उसकी तो दहशत ही बैठ गई है। तो श्रीनगर जाके अपने बंदे लोग आए हुए हैं उधर, उनसे मिलेंगे और कल से मजे सिर पार्टियाँ, ये बर्फ में से राइड डोंगर ये वो सब देखना चालू हो जाएगा भाई। कल से नहीं, कल से तो पहाड़ी का राइड है, वो आपको सीनरी मिलेगी देखने के लिए, लेकिन बाकी का अभी कल से ओरिजिनल जर्नी स्टार्ट होएगा। गाइस अगर आप नाम पढ़ रहे हो, मैं मेरे आजी के गांव में आ चुका हूँ, लुधियाना सिटी साइड में इधर ही चे। अभी जाऊँगा आजी के घर पे, चाय भी पीने का है ब्रो। यार हम वो नाम लेते थे आज उस गांव में, और क्या चाहिए, देखो हमारे लुधियाना की मतलब ज़बरदस्त सिटी। गाइस फाइनली लुधियाना में हम आ चुके हैं। आई जा, मैं बोला आई कौन सी गाय है, तो यस भाई साहब पुट्टा लेके जा रहे। अरे श्रीमान ऐसा मत जाना रे, डर लगता है रे वो गाड़ी की आवाज़ से। ये देखो अपना होटल के बी करनू भाई, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ना ब्रो, लुधियाना में है अपना अच्छा खासा प्रॉपर्टी है, कोई टेंशन नहीं है। लुधियाना बाय बाय, अभी जा रहा जालंधर आने के टाइम पे वापस लुधियाना के आजी के यहाँ रुकते हैं। आजी सो गई है, फोन नहीं उठा रही, आजी को मिलते आने के टाइम पे। क्या होता है मालूम है क्या, ये शूट ही नहीं कर पाते हम लोग। अभी हमको जिधर आने का था, हमने जैसे प्लान बनाया था हर रोज का 600-650 किलोमीटर का रनिंग, तो उस हिसाब से हमने आज 3 दिन में 600, 650 और 750 क्या समथिंग कुछ इतना ट्रैवल हमने कंप्लीट कर दिया और हम जालंधर में पहुंच गए। कल का हमारा ट्रिप रहेगा जालंधर से श्रीनगर। श्रीनगर पे अपने सब शूटर लोग आ चुके, तो उधर जाना है, तो उधर से जो मज़ा चालू होने वाला है, फिर वो लेह से रिटर्न आने तक मतलब हम वैसे कश्मीर विश्मीर से होके दिल्ली बिल्ली में, दिल्ली से रिटर्न घर पे, ऐसा हमारा होने वाला है ट्रैवल। देखते हैं अभी लेह में तो हमारा बेस्ट बनेगा, हम 2-3 दिन लेह में रहेंगे, उधर से ट्रैवलिंग करेंगे, उधर से घूमेंगे बाइक पे। ओह माय गॉड, फिलहाल के लिए स्वागत जालंधर सिटी, और अभी अपन होटल में जाते हैं, ब्लॉग का एंड कर देंगे। ये होटल गाइस आज के रात का पहले कंफर्म नहीं है, पते सेट बात कर रहे हैं, कंफर्म हुआ तो आज की नाइट इधर निकालेंगे और चले जाएंगे अपने अपने रूम में सोएंगे, फिर इधर से कल का प्रवास श्रीनगर चालू। तो गाइस फाइनली आज का तीसरा डे, चौथा ना रे, एक हमारा बफर डे था। मैं तो बर्मुडा पे आने के बाद ही आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। अभी हम है जालंधर में, बहुत मुश्किल से जालंधर नहीं जालंधर, प्लीज सीख लीजिए इसे। हाँ सॉरी, ये हमारा बेड है, ये सेंट्रलाइज एसी है, कूल कब होएगा वो मालूम नहीं, लेकिन हो रहा है, उसका एफर्ट्स वो दे रहा है। अभी मिलते हैं अपन। तो गाइस आज का ये चौथा दिन है, मतलब ड्राइव करके करके हम एक दिन पर चौथा दिन में हम जालंधर पहुँच गए। अब कल का टारगेट है हम श्रीनगर पहुँचना, थोड़ा उजाले में जाने का ट्राई करना है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ आई थी, सबसे लंबी मुंबई से गोवा जा रहे रोज, ऐसा ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कौन सा ट्रैवलिंग है। फिर भी ठीक है, जो भी लाइट वगैरह दिख रहे हैं, तो शायद ही आपको ये चौथा डे का जो हमारा जर्नी था जालंधर तक का, जालंधर तक का पंजाब देखा, लुधियाना देखा, सब देखा हमने, चंडीगढ़ देखा, सब लोग सोए थे और हमने बस देखा गांव का हिस्सा यही देखा। तो शायद आपको भी पसंद आया रहेगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले डे के ब्लॉग में जो होगा कल से स्टार्ट, वो जर्नी है जालंधर से श्रीनगर तक, उसमें तो पहाड़ भीड़ है, बस भगवान से दुआ करना चाहता हूँ जल्दी उठ जाए और राइडिंग चालू कर दे ताकि वहाँ के नज़ारे भी आपको दिखा पाए, क्योंकि वहाँ पे 9-9 किलोमीटर का भुयारी मार्ग है, मतलब बोगदा बोगदा। तो मिलते हैं गाइस कल, सॉरी मैं बहुत लेट डालू मेरे ब्लॉग, बहुत ही लेट आने वाले मेरे, क्योंकि मैं इधर से उधर पहुँचने के बाद ही रहता हूँ, तो ट्राई करूँगा कल देने का, देखते कैसे जाता है। जय हिंद जय महाराष्ट्र, आज का ब्लॉग खत्म हो गया, डिक्लेयर कर देते, मिलते हैं नए ब्लॉग में, बाय बाय, लव यू लॉट, जय।